एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? होप यू ऑल विल बी एब्सोल्युटली फाइन गाइस। राधे राधे, जय माता दी। सो गाइस, आज का व्लॉग होने वाला बहुत ही मजेदार। और गाइस देख लीजिए, आ गई हैं ये, खड़ी हुई हैं ये खाने के लिए। देखो ये देखो, क्या चाहिए, क्या चाहिए भाई? ये देखो खाने के लिए चाहिए। इन्होंने खा लिया गाइस एप्पल। जाओ चलो, एप्पल खा रही है आराम से खड़ी होके। और गाइस घर का काम वाम डन हो गया है, अब मैं जा रही हूँ बच्चों के लिए, मतलब कार्तिक के लिए थोड़ा सा एक टेस्ट पेपर बनाने, बिकॉज उसका कल है इंग्लिश का एग्ज़ाम। एंड इंग्लिश का एग्ज़ाम आपको पता ही है टफ होता है, मतलब टफ नहीं है, उसमें ग्रामर बहुत आती है, तो मैं फटाफट से उसका एक पेपर बनाती हूँ। फिर इस बाहर थोड़ा सा शोर शराबा हो रहा है, देखते हैं क्या हो रहा है, आपको दिखाते हैं। केजरीवाल जी की टीम आई हुई है बाहर मतलब कि वही वोट वगैरह के लिए, प्रमोशन के लिए। और गाइस मैंने यहाँ पे बना ली है स्टोरी, जो कि मैं कार्तिक को देने वाली हूँ अभी, ये इसके एग्जाम में आने वाली है। गाइस ये है एक्चुअली मेक सेंटेंस स्टोरी विद यूजिंग दीज हिंट्स। तो ये हिंट्स हैं यहाँ पे, इसको यूज़ करके आपको एक स्टोरी क्रिएट करनी है, जो कि इसके कल एग्जाम में आएगा। तो मैं पहले से लिख के रख रही हूँ ताकि आके वो अच्छे से कर लेगा। राइट वन इम्पॉर्टेंट ऑफ ट्रीज इम्पॉर्टेंट ऑफ टाइम, ये भी आएगा गाइस, तो ये भी आके करेगा वो। और हम यहाँ पे चेंज द टेंसेज ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज, एक सेंटेंस लिखा होगा उसे टेंसेज के अकॉर्डिंग चेंज करना है, मैं वो लिखी। बिल्कुल बिल्कुल, डोंट वरी। को लेके आना, 15 साल से बीजेपी एनसीपी में है, दिल्ली देश की राजधानी है। अरे ब्लॉग में ऐड करूंगी मैं, बोलू? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। दिल्ली देश की राजधानी है, 15 साल से बीजेपी को दिल्ली दे रखी है सफाई के। बिल्कुल, लेकिन बीजेपी ने 15 साल में क्या किया, दिल्ली हमारी राजधानी को इतना गंदा कर दिया, जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, नालियां भरी हुई हैं। यहाँ का भी तो हटवाओ भैया। 3 नए कूड़े के पहाड़ ताजमहल बनाए 15 साल में बीजेपी ने, जिससे लगातार लोगों को कैंसर जैसी भयानक बीमारियां हो रही है, मीथेन गैस की वजह से अस्थमा जैसी बीमारी हो रही है, टीवी की जैसी गंभीर बीमारियां हो रही है। और उस कूड़े के पहाड़ के आसपास जितने लोग रहते हैं, वहां सुनने में आ रहा है कि बच्चे भी अपंग पैदा होने लगे, मानसिक संतुलन उनका ठीक नहीं रहता। तो इस बार 15 साल की बीजेपी को भी हटाना है, और जो कूड़े के पहाड़ उन्होंने बनाए इसको भी हटाना है। अगर नहीं हटाया तो ये 16 नए कूड़े के पहाड़ और बनाना चाहते हैं दिल्ली के अंदर। यानी कि ये जो उनका नारा है ना, गरीबी हटाओ, ये गरीबी को नहीं हटा रहे, गरीबों को ही हटाना चाह रहे हैं, फ्लैट वालों को हटाना चाह रहे हैं, झुग्गी वालों को हटाना चाह रहे हैं, ये बच्चे बच्चे के छोटे मकान है उनको मारना चाह रहे हैं, ताकि दिल्ली से गरीब लोग हट जाएं और अमीर लोगों का उन पर वर्चस्व हो जाए। तो इस बार बीजेपी को हटाना है, केजरीवाल जी को 5 साल के लिए मौका देना है, सफाई के लिए दिल्ली को चमकाना है, राजधानी बनाना है। बाकी में पढ़ा के फ्री हो गए हैं, अब इनको पढ़ाने बैठे हैं। और आई एम सो सॉरी, मैं बहुत ज़्यादा नहीं व्लॉग बना पा रही हूँ, क्योंकि इसके पढ़ाई का इतना ज़्यादा, मतलब कोर्स ज़्यादा है, टाइम कम है, 1-1 डेज का भी ऑफ बीच में नहीं दिया हुआ है। तो जैसे ही बच्चों को फ्री करती हूँ 4:30 बजे, वैसे ही इसे लेके बैठ जाती हूँ। और ये गाइज उन बच्चों में से है कि जब तक इसके पीछे डंडा लेके ना बैठो ना, तब तक करेगा नहीं। कई बच्चे ऐसे होते हैं खुद से कर लेते हैं कि तब तक आप वहाँ बिजी हो, इतने में यहाँ कर ले रहा है, ऐसा नहीं, लेके बैठो जब जाके करता है। तो अभी मैंने इससे सारा इसका जो लिटरेचर पार्ट है वो सुना है, अब ट्रीज के ऊपर इसको जो पैराग्राफ है वो आता है। अब एक आ रहा है माय फेवरेट साइंटिस्ट, सो ये अब्दुल कलाम जी के ऊपर याद कर रहा है, और मैं इसने क्या याद करा है आपको ब्लॉग में दिखाऊंगी, ये बोल के बताएगा आप लोगों को। साथ के साथ अभी ग्रामर पोर्शन रह रहा है, साथ के साथ गाइस मैंने आलू की सब्जी, क्योंकि आज हमारा अष्टमी का व्रत है, तो यहाँ पे ये आलू की सब्जी बन रही है गाइस। कुट्टू का आटा पीस लिया है, अभी जब खाएंगे तब पूरियां बन जाएंगी। और गाइज अब मैं बातें करते करते लगा रही हूँ पोछा, क्योंकि पूजा का भी टाइम हो रहा है। तो आई हैव टू डू लॉट ऑफ वर्क एज वेल एज आई हैव टू हैंडल एवरीथिंग एट दिस होम, एंड एवरी वीमेन हैव टू डू दिस। सो गाइज बट ये है कि बहुत ज्यादा हैट्रिक हो जाता है ना,
और देखिए फेस मेरा कैसा हो रहा है, क्योंकि रात तक लेट तक जागती हूँ उसकी वजह से, और सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठना होता है, इसलिए रेस्ट बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है। दिन में 3 बजे बच्चे आ जाते हैं तो दिन में भी नहीं सोने को मिलता है ना। सो गाइज बस ये ऐसी लाइफ चल रही है। अब देखते हैं थोड़ा सा एग्जाम खत्म हो जाए, फिर थोड़ा सा टाइम बनाएंगे कि उसमें मुझे आराम भी मिले, इन्हें भी आराम से पढ़ा लूँ और घर के काम भी हो जाए। तो गाइज चलते हैं फटाफट, घर की सफाई करके पूजा करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। गाइज यहाँ पे हो गई है भयंकर वाली लड़ाई। तू रहने कार्तिक, तू बीच में मत पड़, वो हो गई लड़ाई। ये कौन सी बदतमीजी है ओम ओम? अब देख नन्नी बुआ के यहाँ जाना, तेरे को तो मैं लेके जाऊंगी नहीं, इसको तो मुझे बिल्कुल नहीं ले जा। किसके तमीज से, तमीज से चिमटा लेके आ गरम करके, कार्तिक गरम करके लेके, इसके पीछे चिपकाऊ मैं, लेके इसके बेलन रखा है, चिमटा लेके इसके चिपकाऊ मैं, लेके आ पीछे चिपकाऊंगी इसके पौंद में, सुन। गाइस ये इतना बदतमीज हो गया है, एक एक हफ्ते से इसने रात को खाना नहीं खाया, इसको मार मार इसको, घुसा मार इसको, अच्छी इसे घर से बाहर निकाल दो इसको रात को। क्या कर रहे थे पापा? ओ पंतराज मंजलिका, इसके जुराब देखो, इसने अपने जुराब निकाल के और अपने अपने चुप तो रहो, अपने आप से जुराब पहने हुए अलग अलग दिखा। सो ओम आप क्या मैसेज देना चाहते हो सबको बताओ? ओम चुप रहना कार्तिक, ओम मैसेज दो सबको। हाँ हाँ क्या बाल पकड़ के मारना है, इधर आ इधर आ, ए ए देख सब गाइस कहेंगे कितना बदतमीज बच्चा है ये। तेरे जैसे कितने कितने चले गए। फुंकारी मारी फुंकारी, ये कहां से सीख गया तेरी तो, पता नहीं क्या क्या बोलता है। सुन फुंकारी मारियो, ओए गाइस यहाँ पे बन रही हैं बढ़िया सी कुट्टू की पूरियां, जो आटा मैंने पीसा था घर में। एक्चुअली कुट्टू का आटा ना हम लोग घर में पीसते हैं। गाइस कढ़ाई पे मत जाना, ये मेरी बहुत पुरानी कढ़ाई है, नई वाली कढ़ाई मैंने यूज नहीं करी। और देखो गाइज ये घर में पिसा हुआ कुट्टू कितना वाइट रहता है, और जो वो वाला कुट्टू होता है वो कितना ब्लैक ब्लैक लगता है जो बाहर से पिसा हुआ आता है। सो गाइज ये देखिए कितनी मस्त पूरियाँ बनके तैयार हुई हैं। तो हम माँ को लगाने जाते हैं भोग, क्योंकि आज माँ का जो है अष्टमी का फास्ट है। सो गाइज इसी के साथ ब्लॉग को एंड करते हैं। आई होप अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। और गाइज बहुत ठंड हो रही है, मेरे को तो लग रही है बड़ी ठंड, इसीलिए मैंने शॉल वॉल लिया हुआ है। सो गाइज मिलते हैं आपको कल बहुत ही जबरदस्त ब्लॉग के साथ। और गाइज कार्तिक का पेपर खत्म हो जाए, उसके बाद मैं आपके लिए लेके आऊंगी अच्छे अच्छे से ब्लॉग्स इधर उधर घूमने के। सो गाइज इसके साथ ब्लॉग को एंड करते हैं। राधे राधे, जय माता दी।